Hello all, welcome to Off the Cuff with Namrita. And today I will start with a quote. They alone live who live for others. The rest are more dead than alive. ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था. एंड जो मेरे साथ हैं आज वो स्वामी विवेकानंद जी के कदमों पे चल रहे हैं. मैं तो यही कहूंगी. आई एम सो प्रिविलेज टू हैव अशोक देशमणे, founder of SNEHVAN, a social activist and philanthropist and a TED Talk speaker on my show today. Born in the Parbhani district of Marathwada, Ashok grew up in abject poverty and hunger. He and his family endured years of uncertainty and hardship, as did the other families of the drought-ravaged farming community, but that did not dampen his spirit. He got himself an education and a job, which changed the course of his life. And today he harbors an undying desire to help others in need. So, उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि उन्होंने क्या किया और उनकी ज़िंदगी के बारे में. So, warm welcome. आपका स्वागत है ऑफ द कफ पे. नमस्ते मैम. नमस्ते अशोक जी. तो मुझे बताएं, अपनी थोड़ी सी जानकारी दें आपके बचपन के बारे में. कहाँ, कैसी गुजरी वो? मैं तो इंडिया में, भारत में, महाराष्ट्र में छोटे गांव में मैं पला पड़ा. परभणी जिले में मेरा छोटा गांव था. तो माँ बाप दोनों भी किसान थे. तो बहुत स्ट्रगल से उन्होंने मुझे पढ़ाया. 2 रुपए के लिए हमारी मारामारी होती थी. तो 7वीं तक का बचपन पूरा जो था गांव में गया. 7वीं तक पढ़ाई गांव में की. उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं बाजू के गांव में पढ़ने जाते थे. तो जब पढ़ने जाते थे तो साइकिल नहीं थी, बस नहीं रहती थी. तो 2 रुपए घर से मिलते थे. तो कमांडर जीप के ऊपर बैठने का, कभी कभी लटक के जाने का, ऐसा हमने प्रवास किया. और हम एजुकेशन कंप्लीट किया 10वीं के बाद. फिर आगे का 11वीं 12वीं का एजुकेशन परभणी जिले में लिया. परभणी जिले में फिर खुद का काम करते करते पढ़ाई की. माँ बाप दोनों भी किसान थे. इसलिए बहुत स्ट्रगल से उन्होंने मुझे पढ़ाया. तो ऐसा मेरा बचपन जो है वो पूरा संघर्षों में गया. अच्छा, पर आप पढ़ते रहे फिर भी? हाँ, मैं पढ़ते रहा. तो आपके पेरेंट्स, आपने बोला किसान थे वो, तो यू नो आजकल देखने में और सुनने में आ रहा है कि किसान काफी जो छोटे एरियाज जिनके पास हैं, फार्म्स हैं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. और फार्मर सुसाइड के बारे में भी हमने बहुत सुनने को आ रहा है. तो आप कुछ SNEHVAN के बारे में बताइए. ये जो आपने शुरू किया है, वहां पर एक फाउंडेशन है और 2015 में ये शुरू किया. हाँ जी. ये कैसे हुआ और सोशल वर्क की तरफ आपका कैसे रुझान गया? क्योंकि आप तो इंजीनियर थे. अच्छा. तो इंजीनियर से सोशल वर्क पे कैसे आए? जी, मैंने मेरा मास्टर्स कंप्यूटर में किया मैम. अच्छा. मास्टर्स कंप्यूटर में करने के बाद फिर मैं आईटी में जॉब में लग गया. तो पुणे में मैं आया था. एज के डबल टिबल सब, सैलरी थी, सब था. अच्छा. लेकिन मेरा जो पूरा बचपन है, मेरा एजुकेशन है, वो लोगों के सपोर्ट से चला गया था. ओके. कंप्लीट हुआ था. तो मेरा एक ग्रेटिट्यूड था कि भाई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं भी लोगों को सपोर्ट करूं. तो थोड़ा बहुत लोगों को सपोर्ट करने लगा. सैटरडे संडे टाइम देने लगा. उस टाइम एक बात पता चली कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए काम करना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मेरे गाँव के जो जिनका एजुकेशन नहीं हो रहा था. उसी दर में 2013-14-15 में बहुत सूखा मराठवाड़ा विदर्भ में और महाराष्ट्र में गिरा था. उस सूखे की वजह से बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड किया. बहुत सारे फार्मर्स गांव छोड़ रहे थे. तो मेरे गांव में भी वो सब हुआ. तब ऐसे लगा कि भाई ये अभी अपने गांव तक आया है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो फिर क्या कर सकते है? तो मैंने बोला मेरी पूरी जो जिंदगी है वो पढ़ाई की वजह से खड़ी हुई है. मैं अगर नहीं पढ़ता था, मैं एजुकेशन नहीं लेता था, तो मैं भी कहीं तो भी कुछ तो भी लेबर का काम करता था. तो इन बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए तो कौन देगा? सो आई थॉट दैट बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. व्हाई शुड आई नॉट स्टार्ट फ्रॉम माय सेल्फ? एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर चिल्ड्रन. तो पहले ऐसे था कि अपने सैलरी से कितने बच्चे संभाल सकते. आई वाज अराउंड 25-26 एट दैट टाइम. सिंगल था, लग्न शादी नहीं हुई थी. तो अपने सैलरी से जितने बच्चे संभाल सकते हैं, जितने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं उतना देने का. और फिर डोंट हेट द पीपल, डोंट हेट द सोसाइटी, डोंट जज द पीपल. इफ यू जज द पीपल यू विल नेवर गेट द टाइम टू लव देम. ऐसे लगता था कि किसी को कुछ बोलना नहीं है, अपना अपना काम खुद करना है. उस पर टारगेटेड अपना फोकस करना है. और फिर अपने सैलरी से मैं 20 बच्चों को संभाल सकता हूँ.
और फिर उसी विचार में फिर स्नेहवन शुरू हो गया। स्नेहवन मीन्स फॉरेस्ट ऑफ लव। तो मुझे ऐसे लगता था कि भाई हम समाज को प्यार देने का काम कर रहे हैं, स्नेह देने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। तो उसी विचार से फिर स्नेहवन की शुरुआत हो गई। बहुत खूब। और आपने दो कमरों से शुरू किया, कुछ वही 20 बच्चों से शुरू किया, और अब जो आप पहुंचे हैं 2024 में, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ज्यादा ये बढ़ाया है इस चीज को, और बस लगन से करते जा रहे हैं। देर इज नो गवर्नमेंट की अभी तक कोई हेल्प नहीं ली है, जो भी आपको फंडिंग मिल रही है अपने बलबूते पे। तो कुछ बताइए स्नेहवन के बारे में, क्या प्रोजेक्ट है, आप इन बच्चों को कैसे एजुकेट करते हैं, क्योंकि ये इतने गरीब परिस्थिति में रह रहे होंगे, अगर फार्मर सोसाइट के घरों से ये आ रहे हैं जहाँ पर उनके फादर्स ने ऐसा कुछ किया है, तो उनका मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा हो, तो कैसे आप अप्रोच करते हैं? So, ये तो स्नेहवन का हमारा खाली मोटिव संभालना और खाना खिलाना और एक आधा नॉन प्रॉफिट चलाना ऐसा नहीं था। तो हमें ऐसे लगता था कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी बच्चों को जो स्कूल में मिलती है, अच्छे घर के बच्चों को जो फैसिलिटीज मिलती है, वो सब फैसिलिटीज स्नेहवन में मिलनी चाहिए। अच्छा। और बच्चों को अच्छा फूड मिलना चाहिए, अच्छा नरिशमेंट मिलना चाहिए, अच्छा शेल्टर मिलना चाहिए, हेल्दी और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जो आगे चल के खुद के पांव पे खड़े होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे स्नेहवन में क्या होता है कि दो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम हम रन करते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, और एज ए नॉन प्रॉफिट हम उसका पूरा पे करते हैं, उसका रहना खाना एजुकेशन पूरी जिम्मेदारी स्नेहवन लेता है। अच्छा। उसके बाद फिर 7 घंटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, अराउंड 17 आवर्स दे आर स्टेइंग इन स्नेहवन। सो व्हाट वी डू, हम उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे स्नेहवन में काम करते हैं। अच्छा। उनके बुद्धि पे, उसके मन पे, उसके शरीर पे, उसका सर्वांगीण विकास कैसा हो, तो अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट हम वहां पे रन करते हैं। जैसे कि वन मूवी वन बुक बोल के एक कंसेप्ट है, जिसमें पिछले 8 साल से स्नेहवन में कोई भी टीवी देखता नहीं। अच्छा। कोई भी मोबाइल यूज नहीं करता। बच्चों को हम लगता है कि हमें उनके बुद्धि को अच्छे विचार मिलने चाहिए। अच्छा। इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि हर बच्चे को पूरा वीक एक बुक पढ़ना चाहिए। जो पूरा वीक एक बुक पढ़ेगा उसको संडे को एक अच्छी मूवी दिखाई जाती है, लेकिन जिसको मूवी देखनी है उसने बुक पढ़ना कंपलसरी होता है। तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं हमारे इधर। हाँ, अभी आजकल हम देखते हैं कि सब टेक्नोसेवी हो गए हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा लोग टाइम अपना वेस्ट करते हैं। उसी दौर में पूरी दुनिया में जहाँ पे जितना मोबाइल यूज करते हैं, हमारे यहाँ पे 100 लोग रहते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी मोबाइल यूज नहीं करता। 15,000 बुक्स की लाइब्रेरी है। यस। उसके बाद उसके सॉफ्ट स्किल डेवलप हो, उसके मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो, उसके लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, तो फॉर द पीपल बाय द पीपल कंसेप्ट होता है। जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चे रन करते हैं। एक जन एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, एक जन कंप्यूटर डिपार्टमेंट संभालता है, एक जन किचन डिपार्टमेंट संभालता है, एक जन अकाउंट संभालता है। तो ये बच्चे की रन किया। उसके बाद क्या होता है कि उसने बुक पढ़ा कि नहीं पढ़ा कैसे समझेगा, तो हर सब जन सर्कल में बैठते हैं, जिसने जो बुक पढ़ा है उसने उस पर 5 मिनट बात करनी होती है हर रोज। तो मुझे समझ में आता है कि ये बच्चे बात कैसे करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कैसे लेवल इंक्रीज होता है, उसका सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप होता है। उसके बाद हर बार क्या होता है कि किसी को मैथ में इंटरेस्ट होता है, हाँ। तो किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। तो मैथ और म्यूजिक का स्टार्टिंग ईएम से होता है, लेकिन हाँ। हमारा वो ईएम अप एंड डाउन होते रहता है जिंदगी भर। हाँ। हम वो कभी कभी वो उलझ जाते हैं कि हमें अपना नौकरी देखनी चाहिए कि अपना पैशन देखना चाहिए। तो हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि आप आपका पैशन देखो, आपके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो पढ़ो। तो स्कूल के बाद हम बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, डेयरी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलार, इको फ्रेंडली लिविंग, ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज, मलखाम, चेस, बॉक्सिंग, ये प्रोफेशनली सब फिर बच्चों को स्नेहवन में सिखाया जाता है। हम सब एज ए फैमिली अराउंड 100 पीपल साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, एक परिवार जैसा उनको प्यार मिलना चाहिए, अपनापन मिलना चाहिए, उनके इनर क्वालिटीज डेवलप होने चाहिए। तो इसके लिए फिर वो हमने हमारा ईट टुगेदर स्टे टुगेदर का मॉडल वहां पे डेवलप किया है। ऐसा सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट सेइंग दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। या डेफिनेटली। तो आपने वो गांव बना लिया है और इतनी सुंदरता से इन बच्चों को आप आई डोंट से सिर्फ एजुकेशन दे रहे हो, पर एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। वो इंसानियत जरा ढूंढना मुश्किल हो गया है मुझे लग रहा है। और तो आप बताइए कि कितना आपका ये बढ़ चुका है, कितने बच्चे हैं, और
कैसे ये चल रहा है फंडिंग वगैरह का, कैसे आप कर रहे हैं? अभी स्टार्टिंग में थोड़ा था तो मैंने मेरे सैलरी से करना था। हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं। हाँ जी, और आईटी का सब जितना भी कमाता था वो पूरा उसमें डालना चालू किया। तो 18 बच्चों से चालू हुआ था, तो अभी 18 बच्चों से जो काम चालू हुआ था अभी वो 180 बच्चों तक आके रुका है 8 साल में। वेरी नाइस। उसमें से 80 बच्चे रेसिडेंशियल है मेरे पास, 80 बच्चे मेरे साथ में रहते हैं, और आजू बाजू के 100 बच्चे हैं जिनके हम एजुकेशन की जिम्मेदारी लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि 10x10 के दो रूम में हम रहते थे, खाते थे, सोते थे, वो सब चलता था। और फिर उस दरमियान एक अच्छे दोस्त हमें मिल गए, डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी बोल के। उन्होंने 2 एकड़ लैंड हमें डोनेट कर दिया आलंदी के पुणे के पास। हाँ। तो पुणे के पास वो इतना बड़ा लैंड मिलने के बाद फिर हमने वहाँ पे अभी एक अच्छा कैंपस वहाँ पे डेवलप किया है। बहुत अच्छे लोग समाज में रहते हैं, उनको लगता है कि ये समाज में परिवर्तन आना चाहिए, तो उसकी वजह से ये लोग अच्छे हमारे साथ जुड़ जाते हैं, इनकी वजह से ये काम आगे जाता है। हम तो निमित्त है, भगवान ने हमें निमित्त बनाया, ये हमारा सौभाग्य। तो डॉक्टर कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ने के बाद फिर हमने वहाँ पे वो 2 एकड़ लैंड जो दिया था उस पे वहाँ पे अभी हमने अराउंड 200 बच्चों का रेसिडेंशियल कैंपस वहाँ पे डेवलप किया है। हाँ। और 80 बच्चे अभी रेसिडेंशियल है ऐसा। तो ये जो पूरा चलता है वो पूरा सोशल प्रोजेक्ट है, सब लोगों के सपोर्ट से, कॉर्पोरेट के सपोर्ट से चलता है ऐसा। बहुत बहुत बेहतरीन काम। और मैं कल ही आपसे मिली थी और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने आपको सुना वहाँ और कुछ लोग भी थे। तो आपने ये बताया कि जब ये आपको जमीन मिली थी तो ना बिजली थी ना पानी थी ना, और बहुत दूर इलाका है ये, तो काफी तकलीफें उठानी पड़ी आपको, चैलेंजेस भी थे, फिर भी आपने ये कर दिखाया। जैसे मैं आप कह रहे हैं कि अगर जो आप करने लगो अच्छा काम तो कुछ लोग जुड़ने लग जाते हैं, कुछ ऊपर वाले की कृपा होती है, कुछ आपका जो जो आपकी जो एनर्जी है जो कि अच्छा जो आप कर रहे हैं वो भी है। तो मैं पढ़ रही थी जो स्टेटिस्टिक्स के महाराष्ट्र वन ऑफ द स्टेट्स जहां पर फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, उसके बाद फिर कुछ शायद कर्नाटका आता है एंड और स्टेट्स आते हैं। और ज्यादातर ये जो फार्मर्स क्यों सुसाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बारिश ढंग से नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, ऑल्सो ऑफ द डेट दे अक्यूमुलेट। सो हाउ कैन द कम्युनिटी हेल्प इन दैट इन दैट एरिया? और यहाँ के लोग भी कैसे जुड़ सकते हैं, स्नेवन से कैसे जुड़ सकते हैं, और ये फार्मर सुसाइड का कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं? हाँ, हमारा तो जब वहाँ पे जब हम चले गए थे, हाँ जी, तो 2 एकड़ लैंड में ना बिजली थी, ना लाइट थी, ना पानी था, ना दूध था, ना गैस थी, ना सिक्योरिटी थी, कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमारा एक सोच ऐसा होता है कि भाई जो भी समस्या जिंदगी में आपको आती है तो भगवान को पता है कि आप वो सॉल्व कर सकते, तो हमें बस संघर्ष करना चाहिए, डटे रहना चाहिए, कभी भी समस्या से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमने वो डिसाइड किया कि भाई जो भी समस्या हमारी जिंदगी में आ गई है वो समस्या नहीं है, वो हमारे लिए अवसर है। तो जो भी अवसर हमें मिलेगा उस पर हम ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे दूध नहीं मिलता था तो एक गाय से गौशाला हमने चालू की। तो अभी अराउंड 20-25 गिर गाय हमारे यहाँ पे है, जहाँ पे बच्चों को A2 मिल्क मिलता है। बच्चों को हम डेयरी फार्मिंग वहां पे सिखाते हैं, दूध कैसे निकालना है, दूध का पनीर कैसे बनाना है, पनीर की सब्जी कैसी बनानी है, वो बच्चे प्रैक्टिकली वहां पे सीखते हैं। उसके बाद वहां पे गैस नहीं मिलता था, मेरी वाइफ अराउंड 100 बच्चों का खाना अकेली किए चूल्हे पे बनाती है। तो हमने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे हम बायोगैस जनरेट करेंगे। तो पहले साल 1,000 लीटर, दूसरे साल 2,000 लीटर, अभी अराउंड 10,000 लीटर का बायोगैस हम यहाँ पे डेली जनरेट करते हैं। हमारे बच्चे वहां पे वो सब करते हैं। सोलार लाइट नहीं मिलती थी तो हमने वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सोलार पे किया। 2 एकड़ का पूरा कैंपस जो है अभी वो 100% सोलार पे चलता है। नाउ इट्स महाराष्ट्र फर्स्ट प्रोजेक्ट जो 100% रन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। 70 किलोवाट का वहां पे सोलार प्रोजेक्ट है। अराउंड 200 पेड़ वहां पे हमने लगाए। अलग अलग टाइप के एजुकेशन सिस्टम पे हम काम करते, तो 8 प्रकार के लैब्स हमने वहां पे एजुकेशन के बनाए। साइंस लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, कंटेनर लाइब्रेरीज, पूरे लैब जो है वो कंटेनर्स में बनाए। वहां पे ग्लोबल क्लासरूम बोल के एक कंसेप्ट है जहाँ पे फॉरेन के बच्चे आके वहां पे वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसके बाद फिर जहाँ पे ये जो लोग ये जो सुन रहे हैं वो अपने अपने तरफ से स्नेवन के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे स्नेवन का फेसबुक पेज है, स्नेवन की वेबसाइट है, स्नेवन का इंस्टाग्राम लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। जब भी आप कभी इंडिया को आ सकते हैं तो वहां पे आके आप स्नेवन को मिल सकते हैं।
यहाँ पे डोनेशन भेज सकते हैं यहाँ से अभी डोनेशन भेज सकते हैं। हमको FCRA जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वो FCRA हमारे पास है तो डायरेक्टली स्नेवन का वेबसाइट है वहाँ पे इंटरनेशनल डोनेशन पेज है वहाँ पे जाके उस स्नेवन को डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इंडिया में US में माइक्रोसॉफ्ट ने बेनिविटी पे स्नेवन को वेरीफाई किया है तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज है वो मैचिंग करती है स्नेवन के लिए तो बेनिविटी पे कर सकते हैं या IDRF बोल के है वहाँ पे कर सकते हैं। महाराष्ट्र फाउंडेशन है वहां उसके थ्रू कर सकते हैं। अडॉप्ट विलेज है, लोकरे फाउंडेशन है, ऐसे अलग अलग संस्था है जो स्नेवन के साथ काम करती है जिसकी वजह से US टैक्स बेनिफिट भी लोगों को यहाँ पे मिलता है और 501c संस्थाएं है ये तो इनके थ्रू करेंगे तो वो हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और मेरा नंबर अगर अशोक देशमाने कॉन्टेक्ट नंबर आप गूगल पे डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर तो आप मेरे साथ संपर्क करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ऐसा ठीक है लिसनर्स तो ये मैं तो कहूंगी आप इनके वेबसाइट पे ही जाइए स्नेहवन snehwan.in और वहां पर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। और जैसे इन्होंने बोला अपने कंपनी भी अगर आप बेनिविटी जो है वहां पर चेक करिए स्नेहवन को और अगर ये आपको सुनकर लग रहा है कि यहाँ पर आपके पैसे एक अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं तो प्लीज फॉलो करो। और मैं तो कहती हूँ अगर ये जो ग्लोबल क्लासरूम की बात कर रहे हैं आई विल ऑल्सो नो मोर अबाउट इट अगर हम कुछ पढ़ा सकते हैं आपके बच्चे अगर कुछ पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन मैं तो ऐसा बोलना चाहूंगा कि आपके कोई अगर इंडिया में रिश्तेदार है तो उनको पहले देखने के लिए भेजिए अच्छा। हम स्नेवन क्या करते हैं आप आइए खुद देखिए आपके आंखों से महसूस करिए बिल्कुल आप दो दिन हमारे यहाँ पे रहिए उसके बाद आप इन्वॉल्व हो जाए है कि नहीं तो आप जुड़ जाओगे तो हमारे साथ बहुत अच्छा लगेगा। हम ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को या ज्यादा से ज्यादा फार्मर के बच्चों को अच्छा पढ़ाई दे सकते हैं उनका भविष्य अच्छा बना सकते हैं ऐसा। और एक और चीज थी कि आपने ये सब चीजें बात की हैं ग्लोबल क्लासरूम है लाइब्रेरी है फ्री मोबाइल क्लिनिक है कंप्यूटर ट्रेनिंग देयर इज आल्सो सावित्री महिला एम्पावरमेंट सेंटर जो हम कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए गर्ल्स के लिए जो बहुत जरूरी हो जाता है रूरल में बिकॉज ये लड़कियां ही होती हैं जो थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं काफी कारण हो सकते हैं उनके जल्दी शादी होने तो उनके बारे में भी आप काफी कर रहे हैं। अभी अभी हमने क्या किया इस साल पहले साल हमने अभी 20 लड़कियों का और 8 वुमेन्स की जिम्मेदारी ली है अराउंड 25-30 लोगों की पूरी जिम्मेदारी हमने ली है। वो वहाँ पे स्नेवन में रहते हैं उनको पढ़ाई दी जाती है 6 साल से लेकर अराउंड 20-25 साल तक के बच्चे हमारे यहाँ पे है। हमारे जो एल्डर बच्चे हैं वो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं मास्टर्स कर रहे हैं लड़कियों को अभी लास्ट ईयर एक प्रियंका बोल की लड़की उसको 88% आ गए 10th में तो सी वांट्स टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ऐसे भी कुछ अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं तो लड़कियों के लिए हमने काम चालू किया। वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों को खाली वी डोंट वांट टू क्रिएट जॉब सीकर्स वी वांट टू क्रिएट जॉब क्रिएटर्स सो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी हम वहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं जैसे कि पोटैटो चिप्स बनाना मसाला बनाना तेल बनाना उसके बाद दाल बनाना पल्सेस बनाना वो सिखाते हैं स्मॉल बिजनेस शुरू करना सिखाते हैं। उसके बाद हमने फिर वुमन एम्पावरमेंट सेंटर वहाँ पे चालू किया जो कि गारमेंट इंडस्ट्री होती है। गारमेंट इंडस्ट्री में बच्चों को फिर हम वहाँ पे कुर्ती कैसे सीते है फैशन डिजाइनिंग कैसे करते हैं वो पूरा वहाँ पे सिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये सब जो सेटअप है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है बच्चे खुद करते हैं खुद सीखते हैं खाली खाना खिलाना और संभालना हमारा मोटिव नहीं है तो उसमें से सोशल लीडर्स तैयार हो आगे चल के वो समाज के लिए काम करे देश के लिए काम करे ऐसा हमें लगता है इसलिए हमने वो काम चालू किया ऐसा। बहुत बहुत बेहतरीन और उसमें मेरे वाइफ का बहुत रोल है। आई एम 34 नाउ और माय वाइफ इज 26 नाउ सो उसने 19 साल में मेरे ये काम को ज्वाइन किया मैंने 25 साल में ये काम चालू किया था तो बहुत कम उम्र में भगवान ने हमारे से बहुत अच्छा काम करके ले रहे हैं। वाइफ सेल्फलेसली अभी भी सब बच्चों के साथ में रहती है साथ में खाती है आराम 80 लोगों का खाना बनाने का काम मैं और मेरी वाइफ वो वहां पे वो सब करते हैं तो वो सब जो है भगवान की कृपा से चल रहा है हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल वही आप बहुत ही मैं तो कह रही हूँ दोनों ही लकी हैं क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है और एकजुट होके आप ये काम कार्य कर रहे हैं वो भी छोटी थी 19 साल क्या होता है 20 बच्चे संभालने वो आसान नहीं है तो माय कोडल्स टू योर वाइफ अर्चना उनका नाम है अर्चना टू हर ऑल्सो अगर वो देखे तो कमेंड यू फॉर दैट एंड ये तो कर ही रहे हैं बड़ा काम। और आई नो टाइम हो रहा है अशोक बट आप तो इन बच्चों को बहुत कुछ दे रहे हैं पर इस काम से कभी आपने ऐसे कोई
कुछ सीखा है खुद के लिए, या इन बच्चों ने आपको कुछ ऐसा, किसी ने ऐसे बोला हो जो आपके यू नो माइंड में रह गया हो के? हाँ जी हाँ जी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, स्टोरी हुई तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है लाइफ गिव्स यू टू वे टू बी हैप्पी। आपके पास अगर 500 रुपए है तो एक पिज्जा लाके आप खुद के घर में सिंगल खा सकते हैं, या 50 वड़ा पाव लेके आप 50 लोगों के साथ खा सकते हैं। तो हैप्पीनेस डाई व्हेन नॉट शेयर, ऐसे हमारे बाबा हमते बोलते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि इफ यू लिव फॉर अदर्स यू आर अलाइव, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। तो मुझे ऐसे लगता है कि दूसरे के लिए आप जीते हो तो या आप जिंदा हो, नहीं तो क्या है कि आपकी लाइफ तो कभी ना कभी तो खत्म होने वाली है, और जब आपकी लाइफ खत्म होगी तो आपको कोई भी यहाँ पे नहीं रखेगा, आपको जला देंगे या बुझा देंगे या कुछ करेंगे। सो जब भी बच्चों के साथ हम काम करते हैं तो हमने ये बहुत देखा कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारा दुख है, लेकिन हमारा अभी रणवीर नाम का लड़का है 6 साल का, जिसके बाप ने सुसाइड किया और माँ ने दूसरी शादी कर ली, तो 6 साल की उम्र में उसने जो दुख भोगा वो मुझे नहीं लगता कि किसी की जिंदगी में आया होगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, ऐसे लड़कियां हैं हमारे यहाँ पे जिनके अलग अलग समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरों को प्यार देने से हमारा दुख कम होता है, दूसरों को सपोर्ट करने से हमारा दुख कम होता है, तो दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। हमने ये देखा कि जितना हम दूसरों को मदद करेंगे उतना ज्यादा इनर सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। हमारी अभी 6 साल की लड़की है, सो सी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्नेहवन ओनली। सो जब वो पैदा हुई थी तो वो 1.5 किलो की थी, अच्छा प्री मैच्योर डिलीवरी थी, तो डॉक्टर बोले कि ये साथ में आप मत रहो, 30 बच्चे आप सोते हो यहाँ पे तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। आई सेड इट्स अवर फैमिली, वी विल स्टे टुगेदर ओनली। सो हम उसके साथ रहने लगे। जो डॉक्टर के वहां पे डिलीवरी हुई थी, ही डॉक्टर डोनेटेड अस अ 2 एकर लैंड, डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी, ही डोनेटेड 2 एकर लैंड ऑफ 2 CR प्रॉपर्टी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हो ना तो आपकी परीक्षाएं ली जाती है, लेकिन आप उसमें अगर सफर हो जाओगे तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो अभी वो हमारी लड़की बच्चों के साथ ही गवर्नमेंट स्कूल में जाती है, वहीं पे रहती है, वहीं पे खाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि आनंद बांटने से बढ़ता है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और देखिए, हम तो इस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर इट्स अ लैंड ऑफ प्लेंटी, एंड हम कुछ भी कहें, मैं तो इंडिया में भी रही हूँ और हमने देखा है कि कितनी, और यहाँ पर भी है, मैं ये नहीं कह रही यहाँ भी होमलेसनेस है, यहाँ भी और चीजें हैं जो कि हम जूझ रहे हैं, मेंटल हेल्थनेस हो सकती है, आइसोलेशन हो सकती है, पर वी आर स्टिल यू नो इन अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज। सो यू नो ऑल आई से इज कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ अगर हेल्प कर सकें तो कीजिए, और यू नो थिंक अबाउट अदर पीपल इन योर हैप्पीनेस ऑल्सो। हाँ, तुम यू नो यू कैन डू बिग पार्टीज और बाय द नेक्स्ट गैजेट और बाय द नेक्स्ट ब्यूटिफुल कार, बट अगर उसमें से कुछ हिस्सा आप अगर दे पाए वो आई थिंक आपको अंदरूनी खुशी देगा जो पैसा नहीं दे सकता। पता नहीं, ज्यादा फिलोसफिकल लग रहा होगा, पर जो अशोक जी की बात सुन के मुझे लग रहा है वो तो यही है। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जॉब छोड़ी और देखिए आप ये क्या कर रहे हैं। और मैंने सुना आप पोएट्री भी करते हैं, आप पोएट भी हैं, तो अगर आप कुछ भी सुना दें हिंदी में या मराठी में तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी कभी कभी तो लिखती हूँ। अच्छा। और हमारे मैंने एक छोटा सा दो लाइन लिखी थी पहले, कि गीता पढ़ी गाथा पढ़ी पढ़े बुद्ध महावीर, गीता पढ़ी गाथा पढ़ी पढ़े बुद्ध महावीर, सबका कहना एक है मन से बनो फकीर। हमें लगता है कि फकीर बाहर का कुछ झोला है, तो हमें लगता है कि अंदर से डिटैचमेंट होनी चाहिए। इस चीज से अगर आप अटैच हो तो उसको डिटैच कर दीजिए और आपकी लाइफ सुखी हो जाएगी। और दूसरा एक ऐसा लिखा था कि आशा की एक नन्ही किरण दूर कहीं दिख जाती है, आशा की एक नन्ही किरण दूर कहीं दिख जाती है, जीवन जीने की उम्मीद फिर से उभर कर आती है। कभी हारना कभी जीतना, कभी हारना कभी जीतना, खेल यहाँ दिन रात चले, कभी हारना कभी जीतना, खेल यहाँ दिन रात चले, आखिर तक जो लड़ पाए जीत उसी के साथ चले, आखिर तक जो लड़ पाए जीत उसी के साथ चले। तो ऐसा थोड़ा बहुत लिखते रहता हूँ, बहुत लिखते रहता हूँ आपके आशीर्वाद से। नहीं, लिखते रहिए, मैं तो कह रही हूँ आई नो आपका बहुत बिजी है स्केड्यूल, और वहां पर मैं तो सोच सकती हूँ इतने सारे बच्चों को संभालना, पर लिखना भी एक दुनिया में कला है। होगा कि 80 बच्चों का बाप है 80 बच्चों का बाप है और इतनी अच्छी कविता लिख रहे, तो वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मन से
फकीर होना बहुत जरूरी है, आई थिंक हम सबको आपने बोल दिया। तो मैं तो यही कहूंगी कि वो अकेला ही चला था राह पर, मोहब्बत की खुशबू सूंघकर काफिला पीछे आ गया। क्या बात है, क्या बात है। तो शुक्रिया अशोक, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई नो इट वाज लाइक अ क्विक टॉक एंड मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हम यहाँ जो भी आपको मिले और सबकी यू नो आशीर्वाद आपके साथ है। आप और यू नो मैं तो कह रही हूँ तरक्की ही कह सकते हैं, क्योंकि आप उन दियों में तेल डाल रहे हैं जहां पर तेल कम है। Definitely. इसलिए बहुत बहुत मुबारक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, होप यू लव दिस इंस्पायरिंग टॉक बाय अशोक देशपांडे। प्लीज चेक आउट snehavan.in and see the projects they are doing. Thank you. Namaste. Namaste. Shosha is a creative Indian restaurant located in the heart of Silicon Valley. Shosha is a woman-owned business that serves traditional Indian flavors assimilated with molecular gastronomy techniques. The best Indian bar with happy hours in the Bay Area serves handcrafted drinks inspired by flavors from India with modern craft cocktails that are presented in unique ways. Shosha is a modern take on traditional Indian cuisine. We specialize in corporate luncheon, anniversary celebrations, birthday parties, and catering. Do check us out for a memorable modern Indian dining experience. Shosha is located at 141 South Murphy Avenue in Sunnyvale, California.